नमस्कार दोस्तों, दुनिया भर में खाने की ऐसी कई चीज़ें हैं जिन्हें देखकर लगता है कि लोग इसे कैसे खाते होंगे। तो उन्हीं में से आज हम कुछ कीड़ों को देखेंगे जिन्हें अलग अलग देशों के लोग बड़े ही मज़े से खाते हैं। तो देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। बिच्छू। दोस्तों, बिच्छू को हम एक जहरीला जीव मानते हों पर कई देशों में इसे एक डेलिकेसी माना जाता है। तो आप सोचोगे कि इसके जहर का क्या, तो मैं बता दूं कि अधिकतर बिच्छू जहरीले नहीं होते हैं, या फिर उनका जहर निकालने के बाद जहर बनने में काफ़ी समय लगता है। विदेशों में ऐसे कई होटल्स भी हैं जो इनके स्वादिष्ट व्यंजन बनाते हैं, पर इनके जहरीले अंगों को निकालने के बाद। वियतनाम में तो लोग इन्हें ऐसे खाते हैं जैसे कि कोई लॉलीपॉप खा रहे हों। चीन के कई प्रांतों में भी इन्हें खाया जाता है। लार्वा। दोस्तों, कई कीड़ों के लार्वा यानी कि कीड़ों के बच्चे जिन्हें कई देशों में लोग काफ़ी मज़े से खाते हैं। लार्वा में अधिकतर मधुमक्खी के लार्वा, ततैया के लार्वा, कैटरपिलर के लार्वा और ऐसे कई कीड़े हैं जिनके लार्वा को खाया जाता है। इनमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है, जिस वजह से भी लोग इसे खाना पसंद करते हैं। जिन लोगों ने मधुमक्खी के लार्वा का स्वाद लिया है, उनके हिसाब से उनका स्वाद मीठे कस्टर्ड जैसा है। तो कमेंट करके बताना कि क्या आप इन्हें खाना चाहोगे। कॉकरोच। हम इन कॉकरोचों को देखते ही मार देते हैं, पर उन्हें कई देशों में पकड़कर खाया जाता है। इन्हें चीन के कई प्रांतों में एक स्नैक्स की तरह खाया जाता है। वैसे तो चीन के लोग काफ़ी अजीब सी चीज़ों को खाने के लिए जाने जाते हैं। उन्हीं अजीब चीज़ों में से एक है कॉकरोच। वैसे तो कॉकरोच को देखते ही घिन सी आती है, पता नहीं ये लोग कैसे इन्हें खा लेते होंगे। टिड्डे। अंग्रेजी में क्रिकेट और हिंदी में टिड्डे या झिंगुर कहे जाने वाले इस कीड़े को कई देशों में लोग बड़े ही चाव से खाते हैं। इसमें प्रोटीन भर भर कर होता है और फैट, विटामिन, मिनरल्स और फाइबर की मात्रा भी अच्छी खासी होती है। अफ्रीका और एशिया के लोग अधिकतर इसे खाते हैं। सबसे अधिक कंबोडिया में इसे काफ़ी पसंद किया जाता है। वहाँ हर साल कई सौ टन टिड्डे खा लिए जाते हैं। चींटियाँ। इन खाए जाने वाले कीड़ों की लिस्ट में चींटियों का नाम सुनकर एक साधारण सी चीज़ लगती है। चींटियाँ हमारे आसपास भरपूर मात्रा में होती तो हैं, पर उन्हें खाता कौन है। क्या आपको पता है कि अमेज़न वेबसाइट से भी खाने वाली चींटियों को खरीदा जा सकता है, और इनके अंडों को भी कई देशों में काफ़ी पसंद किया जाता है। खासकर मैक्सिको में इनके अंडों की एक खास किस्म की बिक्री काफ़ी होती है और इन्हें काफ़ी ऊंचे दामों पर बेचा जाता है। तो ये था आज का वीडियो। दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी मेहनत के बाद बना है, जिसके लिए एक लाइक तो बनता है, और सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।